नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों आज की वीडियो में हम आप लोग को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के सभी फीचर्स, बेनिफिट्स, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया एंड चार्जेस के बारे में पूरा डिटेल में आपको जानकारी देने वाला हूँ। तो इसीलिए वीडियो आप लोग पूरा एंड तक जरूर देखिए। अगर आप लोग इन फ्यूचर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट ओपन करने की प्लानिंग कर रहे हो तो आइए दोस्तों बिना समय गवाए वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो आप लोग को AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के सभी फीचर्स और बेनिफिट्स के बारे में बता देते हैं। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है कि भाई ये एक जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट, तो यहाँ पे आप लोग को किसी भी प्रकार का कोई भी मिनिमम बैलेंस मेंटेन नहीं करना होता है और ना ही आप लोग को इसके लिए कोई भी चार्जेस पे करना होता है। इससे अतिरिक्त यह अकाउंट फुल्ली डिजिटली ओपन होता है, यानी कि आप लोग को ब्रांच विजिट करने की कोई भी जरूरत नहीं, घर बैठे ऑनलाइन आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। साथ ही इस अकाउंट में आप लोग को वीडियो केवाईसी की भी फैसिलिटी मिल जाती है, जिसके थ्रू आप लोग घर बैठे बड़े आसानी से वीडियो कॉलिंग के थ्रू ही अपना केवाईसी भी कंप्लीट कर सकते हो। इसके साथ ही जैसे ही आप लोग का अकाउंट ओपन हो जाता है, वैसे आप लोग के ईमेल आईडी पे आपका CIF नंबर, अकाउंट नंबर और IFSC कोड सेंड कर दिया जाता है। साथ ही इस अकाउंट में आप लोग को नेफ्ट, RTGS, IMPS, UPI की भी फैसिलिटी मिल जाती है। लेकिन भाई इस अकाउंट में आप लोग को कोई भी वर्चुअल डेबिट कार्ड नहीं दिया जाता, जैसे कि जितने भी प्रकार के जीरो बैलेंस या फिर जो डिजिटली अकाउंट आजकल प्रेजेंट टाइम में ओपन हो रहे हैं, वहां पे आप लोग को एक अकाउंट ओपन होते ही एक वर्चुअल डेबिट कार्ड दे दिया जाता है, जिसके थ्रू आप लोग अपना कोई भी ऑनलाइन ट्रांजेक्शन वगैरह कर सकते हो, साथ ही UPI भी क्रिएट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लोग को वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी नहीं मिलती। हालांकि यहाँ पे आप लोग को फिजिकल डेबिट कार्ड की भी फैसिलिटी मिलती है, इसके लिए अलग से चार्जेस भी पे करना पड़ेगा। तो उसका जो चार्जेस होता है उसको हम चार्जेस वाले सेक्शन में वीडियो में आगे कवर कर देंगे। इससे साथ ही इस अकाउंट की एक और सबसे बड़ी जो खास बात यह है कि यहाँ पे आप लोग को अप टू 7% तक का इंटरेस्ट मिल सकता है। याद रखिएगा अप टू 7%, इसके बारे में भी हम आपको वीडियो के मिड में बात करने वाले हैं। ये पॉइंट आप लोग बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि बहुत सारे लोग ये जो अकाउंट ओपन करने आते हैं ना TV या फिर YouTube वगैरह कहीं भी सोशल मीडिया पर ऐड देखते हैं, वहाँ पे ऐड में यही बताया था कि भाई 7% तक का इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो यहाँ पे फुली 7% तक का नहीं मिलता, वो मैं आपको वीडियो के मिड में बता दूंगा। अभी दोस्तों इस अकाउंट की एक और खास बात यह है कि भाई जो इंटरेस्ट आपको मिलता है ना, वो मंथली बेसिस पे आपके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। बाकी जितने भी अकाउंट्स होंगे, बैंक अकाउंट्स होंगे, उसमें आप लोगों, अगर आपका कोई भी अकाउंट का, आपको पता ही होगा कि जो इंटरेस्ट आपको दिया जाता है वो क्वार्टरली दिया जाता है, यानी कि 3 महीने में एक बार आप लोग को इंटरेस्ट दिया जाता है, वो आपके अकाउंट में क्रेडिट किया जाता है। लेकिन AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में ऐसा नहीं है, मंथली बेसिस पे यानी कि हर महीने जितना भी इंटरेस्ट होगा वो आपके अकाउंट में हर महीने क्रेडिट कर दिया जाता है। साथ ही एक चीज़ और मैं आप लोग को बताना चाहूँगा कि भाई AU स्मॉल फाइनेंस बैंक सुनकर थोड़ा सा मतलब अजीब सा लगता जरूर लग रहा होगा आपको, क्योंकि भाई कहाँ प्राइवेट बड़े बड़े बैंक, इसके अतिरिक्त गवर्नमेंट बैंक कहाँ, ये AU स्मॉल फाइनेंस बैंक है। तो क्या इसमें अकाउंट ओपन करना सिक्योर रहेगा, सही रहेगा? तो जी मैं आप लोग को बता दें, बिल्कुल सही रहेगा, बिल्कुल आप भरोसेमंद भरोसा आप कर सकते हो, क्योंकि जैसे इंडिया के सारे ही बैंक DICG से इंश्योर्ड हैं, उसी तरीके से AU स्मॉल फाइनेंस बैंक भी DICG से इंश्योर्ड है। तो अगर कभी भी बैंक लॉस में जाती है या फिर बैंक डूब जाती है, तो वहाँ पर जितना भी आपका पैसा जमा रहेगा उसके हिसाब से आप लोग को पैसा मिल जाएगा अप टू 5 लाख रुपीज तक का, यानी कि 5 लाख रुपया तक का आपको पैसा मिल जाएगा बैंक डूबने की स्थिति में। और इंडिया के जितने भी बैंक हैं, सारे के सारे बैंक DICG से ही इंश्योर्ड हैं। और सारे बैंक, अगर मान लीजिए ऐसा तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर सारे बैंक डूबते हैं तो उन सभी की स्थिति में भी 5 लाख रुपए तक का ही इंश्योरेंस आपको मिलता है। दोस्तों अब आप लोग को बताते हैं इस अकाउंट के एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया के बारे में। तो अगर आपकी एज 18 या फिर 18 प्लस हो चुकी है तो आप लोग इस अकाउंट को बड़े आसानी से ओपन कर सकते हो। साथ ही आपके पास ओरिजिनल पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, और इसके साथ ही आपके आधार कार्ड से आपका लिंक मोबाइल नंबर भी होना चाहिए। तो ये अगर क्राइटेरिया अगर आप लोग फुलफिल करते हो तो फिर आप लोग इस अकाउंट को इंडिविजुअली, ज्वाइंटली नहीं आप ओपन करते, इंडिविजुअली ओपन बड़े आसानी से कर सकते हो। अब बात कर लेते हैं इसके मेन पॉइंट यानी कि चार्जेस के बारे में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं इस अकाउंट के डेबिट, फिजिकल डेबिट कार्ड के चार्जेस के बारे में। तो देखिए इश्यूएंस फीस यहाँ पे कुछ भी नहीं रखा गया, यानी कि जब भी आप लोग अकाउंट ओपन कराते हो तो वहाँ पे जो वेलकम किट फर्स्ट टाइम आती है उसमें डेबिट कार्ड होता है, तो उसके लिए आप लोग को कोई भी इश्यूएंस फीस नहीं देना है। लेकिन सेकेंड ईयर से आप लोग को इसका रिन्यूअल फीस यानी कि एनुअल चार्जेस आपको 150 रुपया प्लस GST आपको हर साल पे करना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त कभी भी अगर आप लोग अपने डेबिट कार्ड को रेन्यू या फिर रिप्लेस कराते हो तो उसके लिए भी आप लोग को 150 रुपया प्लस
जीएसटी चार्जेस देने पड़ेंगे। अब आप लोग को इस डेबिट कार्ड के ट्रांजैक्शन लिमिट के बारे में बता देते हैं। तो यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन लिमिट रखी गई है, अगर आप लोग एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम मशीन से जाकर कोई भी ट्रांजैक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को अनलिमिटेड टाइम्स ट्रांजैक्शन लिमिट फ्री दी जा रही है, यानी कि महीने में आप लोग कितना भी ट्रांजैक्शन करो इसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देना पड़ेगा। बट कंडीशन ये है कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम मशीन से ही आपको ट्रांजैक्शन करना है। अब आप लोग सोच लो भाई कि एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का कहाँ पे और कितना एटीएम मशीन लगा होता है। ऑलमोस्ट अगर मेट्रो सिटीज या फिर बड़े बड़े सिटीज को छोड़ दिया जाए तो फिर मुझे नहीं लगता कि छोटे सिटीज या फिर गाँव में आप लोग को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का एटीएम मशीन देखने को मिल सकता है। तो ये एक इसका ड्रॉ पॉइंट है। अब आप लोग को बता देते हैं कि अगर आप लोग ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के एटीएम मशीन को छोड़कर किसी अदर बैंक के एटीएम मशीन से जाकर ट्रांजैक्शन करते हो तो कितना आपको चार्जेस देना पड़ेगा और कितना फ्री लिमिट आपको दी जा रही है। तो यहाँ पे महीने में आप लोग को 5 ट्रांजेक्शन की फ्री लिमिट दी जा रही है, जिसमें आपका फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल दोनों ही ट्रांजेक्शन शामिल है। इसके ऊपर अगर आप लोग महीने में कोई भी ट्रांजेक्शन करते हो तो वहाँ पे आप लोग को पर ट्रांजेक्शन 20 रुपीज़ चार्जेस देने पड़ेंगे फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए। इसके अंदर नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन के लिए आप लोग को 8 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ ही अगर आप लोग मान लीजिए आपके अकाउंट में उतना पैसा नहीं जमा है जितना आप लोग एटीएम मशीन से निकालने जा रहे हो, यानी कि आपका ट्रांजेक्शन डिक्लाइन हो जाता है इनसफिशियंट बैलेंस के कारण, तो भी आप लोग को चार्जेस देने पड़ेंगे पर ट्रांजेक्शन 20 रुपीज़। इसके साथ ही अगर आप लोग कभी भी आउटसाइड ऑफ इंडिया यानी कि फॉरेन वगैरह जा रहे हो तो वहाँ पर अगर आप लोग एटीएम कैश विड्रॉल वगैरह करते हो तो वहाँ पर भी आपको चार्जेस देने पड़ेंगे इस डेबिट कार्ड के लिए। तो अगर आप लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करते हो आउटसाइड ऑफ इंडिया यानी कि फॉरेन में जाकर, तो वहां पे आप लोग को पर ट्रांजेक्शन 100 रुपीज़ चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ ही नॉन फाइनेंशियल के लिए आप लोग को 25 रुपीज़ पर ट्रांजेक्शन चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ ही इस अकाउंट में आप लोग को पासबुक की फैसिलिटी नहीं मिलती, जो कि आमतौर पर जितने भी आजकल डिजिटली अकाउंट ओपन हो रहे हैं वहाँ पे पासबुक की फैसिलिटी तो नहीं दी जा रही है। आप लोग स्टेटमेंट से काम चला सकते हो, जहाँ पे भी पासबुक की नीड होती है, जहाँ पे भी आप लोग को पासबुक कहीं दिखाना वगैरह होता है वहाँ पे आई थिंक कि स्टेटमेंट बैंक स्टेटमेंट से काम चल जाता है। इसके साथ ही इस अकाउंट में आप लोग को चेकबुक की फैसिलिटी मिल जाती है। अगर आप लोग फुल KYC यानी कि वीडियो KYC कंप्लीट वगैरह कर लेते हो तो आप लोग को चेकबुक अप्लाई करने का ऑप्शन मिल जाएगा। इसके साथ ही इस अकाउंट में जो सबसे बड़ी खास बात ये एक और है कि इस अकाउंट के थ्रू कभी भी आप लोग इंटरनेट बैंकिंग या फिर मोबाइल बैंकिंग के थ्रू नेफ्ट करते हो, RTGS करते हो या फिर IMPS करते हो तो उसके लिए आप लोग को कोई भी चार्जेस नहीं देने पड़ेंगे अगर आप लोग ऑनलाइन करते हो। ऑफलाइन करते हो वैसे तो इसकी ज़्यादा बैंक ब्रांचेस है नहीं, लेकिन अगर ऑफलाइन करते हो तो उसके लिए चार्जेस देने पड़ेंगे, ऑनलाइन करते हो तो उसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं पे करने पड़ेंगे। इसके साथ ही अगर आप लोग इस अकाउंट में SMS अलर्ट की फैसिलिटी लेते हो तो उसके लिए आप लोग को 30 पैसे पर SMS के हिसाब से चार्जेस देने पड़ सकते हैं, जिसमें भी मैक्सिमम लिमिट रखी गई है 15 रुपये, यानी कि 15 रुपये पर क्वार्टर आपको SMS अलर्ट के लिए चार्जेस देने पड़ेंगे। साथ ही अगर आप लोग अकाउंट ओपन करने के बाद कभी भी अगर आप लोग को लगता है कि भाई हम अकाउंट क्लोज करा दें, तो अगर आप लोग अकाउंट ओपन होने के 21 दिनों के अंदर अकाउंट क्लोज करा रहे तो उसके लिए कोई भी चार्जेस आपको नहीं देने पड़ेंगे, लेकिन 21 दिनों से लेकर 1 साल के अंदर अगर आप लोग अकाउंट क्लोज करते हो तो उसके लिए आप लोग को 100 रुपीज़ चार्जेस देने पड़ेंगे। इसके साथ ही अगर आप 1 साल के बाद कभी भी अगर आप लोग अकाउंट क्लोज कराते हो तो उसके लिए आपको कोई भी चार्जेस नहीं पे करने पड़ेंगे। इसके साथ ही अगर आप लोग अपने अकाउंट में कभी भी कैश डिपॉजिट करने जाते हो ब्रांच विजिट करके, तो उसकी भी लिमिट रखी गई है, 1 लाख रुपये की लिमिट रखी गई है, यानी कि आप लोग कैश डिपॉजिट ब्रांच विजिट करके 1 लाख रुपये तक डिपॉजिट कर सकते हो। लेकिन अगर आप लोग उससे ज़्यादा पैसा जमा करने जा रहे हो तो उसके लिए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे पर 1000 रुपीज़ पे 4 रुपये, यानी कि 4 रुपीज़ आपको चार्जेस देने पड़ेंगे डिपॉजिट के जो इस, लेकिन इसमें एक मिनिमम लिमिट भी रखी गई है, चार्जेस रखे गए हैं 50 रुपये, मिनिमम आप लोग को 50 रुपये तो देने ही पड़ेंगे। यह है 1 लाख रुपए से अगर ऊपर आप जमा करते हो तो उसके लिए चार्जेस। अब आप लोग को बता देते हैं भाई इंटरेस्ट वाला मामला, जो कि अभी तक आप लोग इंतजार कर रहे होंगे। तो दोस्तों अगर आप लोग कहीं पे भी टीवी या फिर सोशल मीडिया पे ऐड देखकर आए हो ना कि अगर आप लोग को 7% तक का इंटरेस्ट मिलेगा, ये सोचकर अगर आप लोग अकाउंट ओपन करने जा रहे हो तो बिल्कुल भूल जाइए, ये एक बिल्कुल लॉलीपॉप की तरह है। यहाँ पे जो इनका स्लैब है उसको देखकर तो यही लगता है कि भाई 7% तक का इंटरेस्ट
हमें भूल जाना चाहिए। चलिए आपको बता देते हैं कैसे कैसे इंटरेस्ट आपको मिलेगा। तो अगर आप लोग का जो डिपॉजिट है आपके अकाउंट में वो लेस देन 1 लाख यानी कि 1 लाख रुपए या फिर 1 लाख रुपए से कम रहता है तो यहाँ पे आप लोग को 3.50 यानी कि 3.5% तक का इंटरेस्ट रेट आपको मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप लोग का डिपॉजिट 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए, 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक का है तो वहाँ पर आप लोग को 5% का इंटरेस्ट रेट दिया जाएगा। इसके साथ ही 10 लाख रुपए से लेकर अगर आपको डिपॉजिट 25 यानी कि 25 लाख रुपए है तो यहाँ पे आप लोग को 6% का इंटरेस्ट मिलेगा। इसके साथ ही अगर आप लोग का डिपॉजिट 25 लाख रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए के बीच में है तो फिर कहीं जाकर आप लोग को 7% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो भाई सोच लो, जो बंदा जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के बारे में सोच रहा है वो 1 करोड़ रुपया जमा करने जाएगा? ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हाँ ये जरूर है कि भाई लेस देन 1 लाख रुपीज आपका हो सकता है तो यहाँ पे आप लोग को 3.5% तक का इंटरेस्ट रेट मिल सकता है, जो कि एक अच्छी बात है। अगर अदर बैंक की तुलना करेंगे इंटरेस्ट रेट तो वहाँ से आपको सही मिलेगा। दोस्तों मैंने आप लोग को ए स्मॉल फाइनेंस बैंक के जीरो बैलेंस सेविंग अकाउंट के सभी फीचर्स, एलिजिबिलिटी एंड क्राइटेरिया, बेनिफिट्स एंड चार्जेस के बारे में पूरा कंप्लीट जानकारी दे दी है। अब बारी है मेरे ओपिनियन का। तो यहाँ पर अगर आप लोग को लगता है आप ओपन कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँगा कि अगर आप लोग ए स्मॉल फाइनेंस बैंक में एक जीरो बैलेंस या फिर एक जीरो बैलेंस अकाउंट की तलाश में है तो फिर आप कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट ओपन कर सकते हो। क्योंकि देखिए भाई वहाँ पर आप लोग को भी इंटरेस्ट रेट सेम ही मिल जाता है, वहाँ पर भी करीब 4% तक का आपको इंटरेस्ट रेट अप टू 4% तक का मिल जाता है। इसके साथ ही यहाँ पे भी 3.5% तक का ही मिलेगा, क्योंकि भाई जो जीरो बैलेंस अकाउंट ओपन करने जाएगा वो 1 लाख रुपए से ज़्यादा तो मुझे नहीं लगता है कि डिपॉजिट कर पाएगा, है ना। इसके साथ ही एक जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है इस अकाउंट का वो ये है कि भाई इस अकाउंट में तो आप लोग को वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी ही नहीं मिलती, जो कि आजकल सारे ही बैंक्स आप लोग को जो कि डिजिटली ओपन हो रहे हैं वहाँ पे आप लोग को वर्चुअल डेबिट कार्ड की फैसिलिटी मिल जाती है। तो वहाँ पे आप लोग वर्चुअल डेबिट कार्ड से ही अपना काम चला लेते हो, फिजिकल डेबिट कार्ड की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर आप लोग ये अकाउंट ओपन कराते हो तो वहाँ पर आप लोग को भाई फिजिकल डेबिट कार्ड लेना ही पड़ेगा, क्योंकि आजकल UPI का ज़माना है भाई, आपको UPI क्रिएट करने के लिए डेबिट कार्ड की ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी, तो फिर आपको डेबिट कार्ड लेना ही पड़ेगा। हाँ अलग बात यह है कि अभी आधार कार्ड से भी आ गया है UPI क्रिएट करना, UPI ID बनाना, लेकिन अभी AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के नहीं आया है। तो ये एक ड्रॉबैक पॉइंट है इस अकाउंट का। बाकी अगर आप लोग की मर्जी तो आप लोग इस अकाउंट को ओपन कर सकते हो, बट मेरा सजेशन रहेगा कि भाई जीरो बैलेंस अकाउंट अभी तक में जो सबसे बेस्ट है वो कोटक महिंद्रा बैंक का 811 अकाउंट है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में बस इतना सा। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग लाइक और शेयर जरूर कर देना। इसके साथ ही अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आप सभी लोग से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।